गाइज, आई एम सुदीप। वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर। चलिए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। फर्स्ट हमको जानना होगा जो यूनिट सेल होता है, वो यूनिट सेल में डिफाइंड एटम अरेंजमेंट होता है, कभी कॉर्नर पोजीशन में, कभी फेस पोजीशन में, कभी बॉडी सेंटर पोजीशन में, कभी इडेज में भी होता है। इडेज मतलब वो जो लेंथ होता है क्यूबिक यूनिट सेल का, उसका मिडिल पोजीशन में किसी पोजीशन में है, उसका इडेज बोलता है। आप देखते हैं, देखो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कॉर्नर पोजीशन का, जो एटम शेयर करते हैं 1/8 पर सेल में करता है। इडेज में क्या होता है, 4 सेल में क्या होता है, 1/4 सेल एटम कंट्रीब्यूट करता है। फेस में 1/2 मतलब हाफ उसका कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी में 1 ही कंट्रीब्यूशन होता है। आप देखते हैं डिफाइंड डिफाइंड क्यूबिक ही सेल सिस्टम, सिंपल SCC लैटिस जिसको बोलता है। इसमें क्या होता है, ऑल कॉर्नर पोजिशन ऑक्यूपाइड करता है एटम मिल के, वो ऑक्यूपाइड होता है 8 कॉर्नर पोजिशन यूनिट सेल का, 8 एटम ऑक्यूपाइड करता है। मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है, 8 × 1/8, दैट मीन्स 1 आता है। आप इधर देखो पूरा दिखाई दे रहा है, 3D स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा है। आप देखो नीचे देखो, पैकिंग एफिशिएंसी दिखाई दे रहा है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकुलर सेल, और जो पार्टिकुलर सेल पार्टिकल जो ऑक्यूपाइड किया बाय किया होता है वॉल्यूम ऑफ द टोटल यूनिट सेल। आप देखो वॉल्यूम ऑफ द वो जो सेल होता है जो ऑक्यूपाइड किया एटम मिलके, वो 4/3 πr³ होता है। नीचे क्या होता है, 2r³ ऐसे तरफ होता है। इधर क्या है, एक्चुअल 2r = a हो जाता है, नीचे aq होता है टोटल जो यूनिट का हम लोग लेंथ। सपोज मान लिया था ये यूनिट सेल का लेंथ है, तो a = 2r हो जाता है। और एक बात है, ऐसे तरफ कैलकुलेशन करके निकल के आता है 52% ऑक्यूपाइड और वैकेंट किया है 100 − 52%, लगभग 48% होता है। और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है ऐसे तरह 52% नहीं, एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं देता है, ऐसे तरह ऑप्शन देता है √2π/6 ऐसे तरफ होता है। तो याद रखो जो ऐसे तरह ऊपर में देखो बॉक्स में दिखाई दे रहा है सब π/6 होता है इसका पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब अनऑक्यूपाइड हो जाएगा 1 − π/6 ऐसे तरफ हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 0 0 0 कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज 1। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, BCC लैटिस है। BCC मतलब 8 कॉर्नर पे ऑक्यूपाइड है एंड बॉडी पे 1 एटम है। तो इसका टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या है, बॉडी के लिए 1 + 1/8 × 8, दैट मीन्स 1 + 1 आता है, क्योंकि कॉर्नर साइड में ऑक्यूपाइड जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 2 होता है। तो 2 कोऑर्डिनेट होगा ऑब्वियसली, एक होता है 0 0 0 और एक होता है जो मिडिल पोजीशन में बैठा है बॉडी पे, उसका हाफ 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 ऐसे तरफ तीनों एक्सिस में होता है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन ऑफ एटम। देन आता है उसका जो ऑक्यूपाइड कितना है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 नंबर ऑफ एटम, 2 × वॉल्यूम ऑफ पर एटम बाय नीचे टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है इन 100 कर दिया, तो परसेंटेज आया जाएगा। पूरा साफ साफ कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, 68% ऐसे तरफ होता है। अच्छा, इसका और एक बात है, उधर तो SCC लैटिस में क्या हुआ था, 2r = हुआ था ए हुआ था, इधर हो जाएगा √3a = 4r हो जाएगा, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, FCC लैटिस, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, इधर क्या हो जाएगा, पूरा सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ऑल कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाइड एंड द 6 फेसेस ऑक्यूपाइड एज वेल एज। तो उसका लिए क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 8 × 1/8, क्योंकि कॉर्नर पोजीशन के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज 1, और फेस के लिए हो जाएगा 6 × 1/2 मीन्स 3 आ जाएगा, 3 + 1 दैट मीन्स 4 आ जाएगा टोटल। अब देखो 4r = √2a आ जाएगा, क्योंकि वो जो डायगोनल होता है 1 फेस में, उसको 4r मतलब वो एटम का r रेडियस 4r टच करते हैं, इसीलिए 4r = √2a इधर कैलकुलेशन आ जाएगा। 74% हो जाएगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी, और उसका 100 से माइनस कर दिया तो 26% हो जाएगा अनऑक्यूपाइड वॉइड जिसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा।
ऐसे तरफ पूरा आ जाएगा, और इसका आ जाएगा रूट थ्री पाई बाई एट आ जाएगा ऐसे तरफ, जैसे बीसीसी में आया था रूट टू पाई बाई सिक्स ऐसे तरफ आता है। तो ये हो गया एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, इसका पार्ट एक्चुअली आता है सीसीपी से, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंडर वो एफसीसी होता है, और होता है एसीपी। हम लोग देखते हैं एसीपी का क्या, एसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है, इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या है 6 है, इधर दे दिया जो 3 एटम 3 × 1 वो सेंटर पोजीशन में है, पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा है 3 डायमेंशन में, 2 × 1/2 दैट मीन्स 1 फेस एटम, और 12 × 1 = 6 दैट मीन 2 कॉर्नर पोजीशन टोटल आ जाएगा 6 टोटल एटम आ जाएगा। और इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा 0 0 0, और होता है हाफ 2/3 एंड 1/3 ऐसे तरफ आता है, उसको हम लोग डिफाइंड वे में लिख सकते हैं, मतलब मेनली ऐसे तरफ ऑप्शन में जैसे देखेंगे हाफ 2/3 1/3 ऐसे तरफ, तो वो हो जाएगा हमारा एचसीपी लैटिस, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसे तरफ लैटिस की भी क्लोज पैकिंग लैटिस होता है। देखते हैं जे इसका खास बात क्या है, ए बी ए ऐसे तरफ सिस्टम होता है, मतलब ए जो ऊपर में होता है वो 3 मिल के होता है, नीचे जो वी होता है मिडिल पोजीशन, मतलब सैंडविच के तरफ वो मिडिल पोजीशन में 6 एटम घिर के, मतलब मिडिल पे रहता है, नीचे फिर 3, मतलब ए बी ए पैटर्न होता है। और जैसे फिर एफ सी सी में क्या होता था, एफ सी सी में होता था ए बी सी ऐसे तरफ, जो ए एंड सी मतलब मिडिल को छोड़ के ए एंड ए वो सिमिलर नहीं होता है, इधर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ए बी सी लेयर जो होता है वो होता है एफ सी सी लैटिस। और एच सी पी में क्या होता है, ए बी ए ऐसे तरह पैटर्न चलता है, इधर कोऑर्डिनेशन दे दिया पैटर्न एफ सी सी लैटिस के लिए, कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेट करते हैं उसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन दे दिया 0 0 0 1/2 0 0 1/2 एंड 1/2 0 1/2 ऐसे तरफ होता है। एच सी पी में मैंने पहले ही बोला 0 0 0 1/2 2/3 1/2 ऐसे तरफ, सॉरी 1/3 2/3 1/2 होता है ऐसे तरफ होता है। चलिए ये तो डिफरेंस समझ में आ गया, चलिए देखते हैं ओवरव्यू, जे एसीपी एफसीसी एंड बीसीसी इसका नेबरिंग डिस्टेंस क्या है, इसके साथ और क्या कनेक्ट है, और एक साथ हम लोग सब कुछ देखेंगे। इसका एसीपी में और एक बात, इसका भी ऑक्यूपाइड कितना है 74%, इधर सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। देखो एसी मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस है, एससीसी भी कभी कभी बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव लैटिस भी बोलते हैं, बीसीसी एफसीसी एसीपी दे दिया, ए इक्वल टू 2R होता है, उधर क्या होता है बीसीसी में रूट 3, ए इक्वल टू 4R होता है रूट 2, ए इक्वल टू 4R होता है एफसीसी में, एसीपी में क्या होता है ए इक्वल टू 2R होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, एसीपी में 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 होता है, 8 होता है, 12 12 होता है, 12 12 एफसीसी एंड एसीपी में होता है, बीसीसी में क्या होता है 8 होता है, एंड सिंपल क्यूबिक में 6 होता है। कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड करता है, 0.25 इतना ऑक्यूपाइड होता है, एंड मतलब 52% 68% और दोनों लास्ट दोनों वो ए सी पी एंड एफ 74% ऑक्यूपाइड होता है, इसको फैक्शन कर देता हूँ 0.74 होता है, और अनऑक्यूपाइड फैक्शन क्या होता है 0.26 ऐसे होता है। और एक बात जानना जरूरी है, जो नेबरिंग डिस्टेंस होता है वो 2R डिस्टेंस होता है, जैसे एस सी मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस में उसका जो नेबरिंग 2R इक्वल टू ए और टोटली नेबरिंग डिस्टेंस में चला जाता है। बीसीसी में क्या होता है, रूट 3 इक्वल टू 4R होता है, दैट मीन्स 2R इक्वल टू क्या होता है रूट 3 ए बाई 2 होता है, रूट 3 ए बाई 2 इसको बोलते हैं नेबरिंग डिस्टेंस ऑफ द एटम इन बीसीसी सिस्टम, बीसीसी लैटिस सिस्टम। एफसीसी में ऐसे तरफ हो जाएगा 2R इक्वल टू रूट 2 ए बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स ए बाई रूट 2 ऐसे तरफ एसीपी में हो जाएगा, टोटली हो जाएगा ए इक्वल टू 2R, दैट मीन्स वही ए
will be the neighboring distance of the ACP lattice. चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे. नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर वीडियो को कर दीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और वीडियो आएगा तब तक मिस हो जाएगा, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद.